आप सबको मेरा नमस्कार। एक विशेष जानकारी आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, वो सभी लोग जो बाकी अन्य राज्यों से संबंध रखते हैं और करनाल में किसी कारणवश फंसे हुए हैं और वापस अपने राज्य में जाना चाहते हैं, ऐसे कई लोगों की शिकायतें हमारे पास आ रही थी। साथ ही में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो करनाल के रहने वाले हैं लेकिन हरियाणा के बाहर किसी अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, तो इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत ये लोग एक वेब पोर्टल पे, जिसका एड्रेस है edisha.gov.in/eforms/migrant-service, इस पोर्टल पे अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं या जन सहायक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी के पास पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो जो जिला का हेल्पलाइन नंबर है 1950, उस पे कॉल करके अपनी जानकारी दर्ज करवा सकता है और उनको इस पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर इसके अलावा अगर कोई पर्सनली आकर के कोई जानकारी शेयर करना चाहता है तो ईओ हुडा ऑफिस जो है सेक्टर 12 में, हमने ईओ हुडा को इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, तो उनके ऑफिस में आकर के ये जानकारी साझा की जा सकती है और इनका वहां पे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद हरियाणा सरकार ये सारा डेटा कलेक्ट करके और इन सभी लोगों को अब उनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स में भेजने की प्रबंध करेगी और जो लोग बाहर के स्टेट्स में फंसे हुए हैं उनको वापस हरियाणा लाने का प्रबंध किया जाएगा। तो आप सबसे मेरी अपील रहेगी कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम भी मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए ये जो सारी जानकारी है और रजिस्ट्रेशन के जो तरीके हैं ये आम जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे माइग्रेंट्स, विशेष रूप से जो बाकी स्टेट से यहाँ पे रुके हुए हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और जो जो लोग वापस जाना चाहते हैं वो इस पोर्टल पे रजिस्टर कराएंगे ताकि सरकार उनको वापस भेजने की सुविधा उपलब्ध करा सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।